नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये जो वीडियो है ये है आपकी एसएससी जीडी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी एसएससी जीडी 2024 की आएगी, वो अगर आप पूछेंगे कि कब तक आएगी, तो भाई ये तो कोई बता नहीं सकता, ठीक है। लेकिन यूट्यूब चैनल वाले थंबनेल पे लिखते हैं जानिए कब आएगी, और कहते क्या है वीडियो के अंदर कि अक्टूबर तक नवंबर तक आ जाएगी, वो अनुमान से बोलते हैं। जो कि हाँ सही भी हो सकती है, दिसंबर तक आ सकती है, लेकिन कंफर्म तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन टर्मिनल में लिखते हैं वैसे, तो वो बात हटाते हैं। सबसे पहले कभी भी आए, क्या आप तैयार हैं एसएससीजीडी के लिए? उससे पहले मैं बता दूं कि एसएससीजीडी होता क्या है। एसएससीजीडी होता है हमारे भारत में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके अंदर आपको सेलेक्ट किया जाता है एसएससीजीडी के द्वारा। एसएससीजीडी में सिर्फ एग्जाम होते हैं, इसके बाद फिज़िकल होती है, उसके बाद मेडिकल होती है, फिर आपकी फाइनल लिस्ट निकलती है, और अगर आपका उसमें नाम है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वन बाय वन करके बताता हूँ मैं चारों स्टेप। सबसे पहला जो है, उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने दो बार एसएससीजीडी क्लियर कर किया है। पहला एसएससीजीडी 2021 वाला और दूसरा एसएससीजीडी 2022 वाला, ठीक है। 2022 में जो एसएससीजीडी है उसमें मेरा मार्क्स है 117 पॉइंट समथिंग, एंड आई एम फ्रॉम झारखंड बट आई हैव स्टडीड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो जो बात है आपकी एसएससीजीडी रिटन एग्ज़ाम में आपको चार सब्जेक्ट मिलती है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक, मैथ, रीजनिंग और जीके। हर सेक्शन से 20 मार्क्स की आपकी क्वेश्चन आती है और हर क्वेश्चन दो नंबर की होती है। इस हिसाब से 20 × 2 = 40, डैट मीन्स द ओवरऑल एग्जामिनेशन इज़ 160 मार्क्स। और इसका जो कट ऑफ है ना, ये हर स्टेट का अलग निकलता है। हर स्टेट में तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इस जो एसएससीजीडी है इसका कट ऑफ हर स्टेट में अलग अलग आती है, और हर स्टेट को तीन हिस्सों में बांटा गया है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट। अब इनके अंदर भी डिवाइड है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, फिर आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। तो इसलिए अगर कोई एसएससीडी का आपको कट ऑफ दिखाए तो उस पर जाइए मत, कोई नहीं बोल सकता। हाँ, आप इतना देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी है, लेवल कैसा है एग्ज़ाम का, और अगले बार आपकी कितनी वैकेंसी गई थी, तो आप एक रफ आइडिया हो जाए कि हाँ इसके बीच में आएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। इसके बाद होती है आपकी रनिंग। रनिंग में लड़कों का हाइट देखा जाता है 170 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर की दौड़ होती है 24 मिनट के अंदर। लड़की का हाइट देखा जाता है 157 सेंटीमीटर, और उनकी भी रनिंग होती है 1600 मीटर, शायद 8 मिनट के अंदर करती है। इसके बाद हाँ फिर से मैं बता दूं कि इसे अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट 10 पास होना है, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप अगर 10 पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी उम्र 18 होनी चाहिए या फिर 18 से ऊपर। तो फिज़िकल के बारे में बात हो गई, इसके बाद आती है मेडिकल। इस बार क्या हुआ, जो 2022 में जो एसएससीडी का जो अभी भी चल रहा है और मेडिकल हो रही है, इस बार हुआ कि रनिंग के बाद भी एक कट ऑफ निकली, ठीक है, जो पहले नहीं होता था। रनिंग के बाद जो रनिंग क्वालिफाई करते थे उसको डायरेक्ट मेडिकल में बोला जाता था, फिर मेडिकल पास करने के बाद एक फाइनल कट ऑफ आती थी, लेकिन इस बार रनिंग के बाद भी एक फाइनल कट ऑफ निकली। तो अब जो 24 का वैकेंसी आएगा उसमें भी यही होगा। इस बार वैकेंसी तक करीबन 50,000 के आसपास, और सुनने में ये आ रहा है कि काफ़ी यूट्यूब चैनल और आरटीआई के साथ कह रही है कि 85,000 जैसे एसएससीजीडी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी को अभी आप सोचिए मत, वो जितना आएगी आएगी, ठीक है, आप अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए। मेडिकल भी जो है, मेडिकल एसएससीजीडी का ये तो वही बता पाएगा जो मेडिकल दिया है, लेकिन हाँ इतना तो है कि हर डिफेंस का जो मेडिकल है लगभग सेम होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा एयरफोर्स में आई साइट चेक किया तो जीडी में नहीं करेगा, या फिर कुछ और आँख निकाल के चेक करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ यही है जो है, हम तो एयरफोर्स में जो चेक किया है जीडी में भी वही चेक करेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये है एसएससीजीडी। एसएससीजीडी के माध्यम से हम लोग बीएसएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हम सीआरपीएफ में जा सकते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके बाद हम आईटीबीपी से जा सकते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस।
फिर आपका SSB है, फिर SSF है, AR है आसाम राइफल्स, और कुछ है, हाँ CISF है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो तमाम ये सारे फोर्स के अंदर हम जा सकते हैं SSC GD के द्वारा, जो कि कांस्टेबल पद में आपकी चयनित होती है। तो यही था आज का वीडियो कि SSC GD क्या है। अब मैं कुछ दिन बाद या फिर एक महीने बाद निकालूंगा कि SSC GD को तैयारी कैसे करें। तो अगर आप कोई SSC GD को तैयार कर रहे हैं तो ज़रूर कॉमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।